सो फाइनली गाइस हम अपने बुर्ज खलीफा के पास पहुंच चुके हैं। दरअसल ये बुर्ज खलीफा नहीं, ये एक चिमनी है छोटी सी, एंड आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईट बन। सो हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड इस व्लॉग में बहुत कुछ खास होने वाला है, बिकॉज इस वक्त मैं अपने गाँव में हूँ एंड हम अभी जा रहे हैं अपने खेतों एंड खलियानों के बीच, और वहाँ हम सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं। देखते हैं क्या व्यू रहता है वहाँ का, हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड मिलते हैं वीडियो के लास्ट। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे दोस्त का जो डॉग है वो मिल चुका है, और उसके साथ काफ़ी ये खेल रहा है, ये डर भी रहा है, बट काफ़ी अच्छा डॉग है। जैसा कि अभी का आप व्यू देख रहे हैं, इस वक्त हम अपने खेतों के बीच आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस तरह काफ़ी गेहूं का जो है यहाँ पे उपजाव हो चुका है। काफ़ी सारे गेहूं हैं, बहुत लंबी ये एंड हर जगह भी आपको इस वक्त गेहूं ही गेहूं दिखने वाला है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं अभी आ चुका हूं अपने खेतों के बीच, एंड आपको हम सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ व्यू रहता है यहां का। एंड इस वक्त अभी सड़क पे बहुत ही धूल जमी हुई है, बिकॉज इसका कारण ये है कि यहां पे और सड़क पे इतने ट्रैक्टर एंड काम अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल काफ़ी सारी जमी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस कदर यहाँ पर अभी धूल जमा है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही सारी चीज़ें बिगड़ चुके हैं यहाँ पे। एंड हम यहाँ पे पहुँचने वाले, और यह देखिए काफ़ी बड़ा सा खंडर है ये, और यहाँ से मिट्टी का काम सिलसिला है, यहाँ से मिट्टी निकाली गई है, और काफ़ी खंडर सा लग रहा है यहाँ पे। एंड हम और आगे चलेंगे, और हम बस चिमनी के पास पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम और। क्या कर रहा है तू, वहाँ क्यों गया तू? स्नान, ये देखो, ये अभी इस वक्त इसने स्नान की सूत्र, ये देखो क्या करने जा रहा है, ये देखो देखो गिरेगा अभी। तुझे और कहीं ना पानी मिला तुझे? सबसे बढ़िया पानी है, सबसे बढ़िया, बेटा पी ले इसे, सही है। फिर तो देख सकते हैं जैसे इन्हें इतनी गर्मी लग रही है कि अपना ये यहाँ पे चेहरा फ्रेश कर रहा है, इतनी इसे गर्मी लग चुकी है। हो गया, चल तो आप निकल ले वहां से। अब देख देख कहाँ जा रहा है, चलो। ये ऐसा इंसान है कि जहां से मन करे वहीं से ये रास्ता अपना ढूंढ लेता है, बिल्कुल आदि मानव की तरह। खैर कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़ो एंड चलते हैं आगे। चिमनी के पास में आप देख सकते हैं, एंड मैं कैमरा मैन से बताना चाहूँगा धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ का कवर करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में।
फाइनली गाइस हम अपने पुछ लेता के पास पहुंच चुके हैं। तस्वीर कुछ कर रहे हैं कि एक चिमनी है छोटी सी एंड आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईंट बनाई जाती है एंड ईंट का सभी प्रकार की तरह से यहाँ पे ईंट की व्यवस्था होती है, पकाई जाती है, बनाई जाती है मकानों के लिए। चलते हैं आगे, आगे का रिव्यू हम देखने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे की जाती हैं। काफ़ी सारी ईंट यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि ये तैयार है कम्प्लीटली। तो फिलहाल हम ये अब चल रहे हैं चिमनी को ऊपर का नजारा देखने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है अभी फिलहाल। तो बड़ी यहाँ पे आप हम एक वर्कर काम कर रहे हैं, हम उनसे जाकर बात करते हैं थोड़ा क्या कुछ कर रहे हैं इंसान की तरफ। क्या कर रहे हैं अभी आप? माल पका रहे हैं। थोड़ा बताएंगे डिटेल्स में ये ईट इसके अंदर क्या हुआ अभी? अच्छा, और ये अभी आप डाल क्या रही है? ये क्या है? कोयला है। कोयला अच्छा, और इसके अंदर तो काफी आग हमसे दिख रही है। तो आप तो देखिए। अच्छा, तब तो पकी। अच्छा अच्छा, इसके अंदर ईट है वो पकेगा तब जाके तैयार होकर यहाँ से निकल गए। अच्छा, तो ये ईट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये पके कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ठंडा हो जाए तो घर से निकली। अच्छा, जब ये गर्म होकर ठंडा हो जाएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में जो है ये कोयला है और अभी कुछ जो आपने वीडियो देखी है वहाँ पे बीच में जो कोयला पहले हमें कच्ची ईंट जो है वहाँ पे पकाते हैं। हम अभी दिखाना चाहेंगे वो रही कच्ची ईंट जो आपको सफ़ेद सफ़ेद ईंट दिख रही है वो दरअसल अभी कच्ची ईंट है और जो आप लाल आपको दिख रही है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। और जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आपको रिव्यू एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक रिव्यू है जो कच्ची ईंटे को अंदर में डालते हैं, उसके बाद ये जो हमारे हाथ में कोयले दिख रहे हैं उसके अंदर कोयला डालते हैं और बहुत ही ज़्यादा आग का फवारा आता है जिससे कि ईंटा फिर पक जाती है और पकने के बाद उसे आसानी से निकाल लिया जाता है जब तक वो ठंडा हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी ईंट निकाल की और यहाँ पर ठंडी हो चुकी।
ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है कच्ची ईंट। फिलहाल अभी फाइनली यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, अब यहाँ पे कुछ तैयार हुआ है। अब इसे आग में पकाया जाएगा, गोले के साथ इसे आग में पकाया जाएगा और ये रेड कलर का बिल्कुल हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हमारे हाथ में अभी इस वक्त ईंट है और वो भी कच्ची ईंट है, लेकिन ये कैसे बनता है इसका भी आपको हम दिखाने वाले हैं व्यू कि किस तरह ये तैयार की जाती है, पहले मिट्टी साइड पर क्या कुछ करते हैं इसके साथ, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सारी चीज़ें आपको दिखा मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम इनसे थोड़ा बातें करते हैं कि कैसे कुछ करते हैं। चाचा जी हमें आप बताइए कि ईटा किस प्रकार से आती है? मिट्टी मिलता है। अच्छा, पहले यहाँ पे मिट्टी को पीसा जाता है यहाँ पे, और उसके बाद ईटा निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद ईट तैयार करने के लिए यहाँ पे इसमें डालते हैं। और ये जिबिया है, जिबिया तार है, तार है इसे, और इसे काट के यहाँ पे आप ईटा इसे छपना काट सकते हैं। तो देख सकते हैं ईटा बन के रेडी हो चुका वहाँ पे, और कुछ इस तरह से ही इसको तैयार किया जाता है। तो फाइनली गाइस वीडियो बनके तैयार हो चुके हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड ये आपको व्यू हमारे गांव का जो व्यू था कुछ, तो ये आपको कैसा लगा एंड आपको क्या चीज़ें इसमें सबसे अच्छी लगी वो आप हमें कमेंट के जरिए प्लीज़ हमें कमेंट करें। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।